हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना मात्रा। इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप रेवाड़ी जाएं तो आवारा पशु और शहर में सरेआम लड़ते सांडों से दूर रहें, अन्यथा इसमें आपकी जान भी जा सकती है। हम यूं ऐसे नहीं कह रहे, बल्कि रिकॉर्ड है कि पिछले कुछ वर्षों में लड़ते सांडों की वजह से आधा दर्जन से करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद के अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठी हुई भी उसके साथ ये हादसा हुआ। सवाल ऐसे में ही उठता है कि अगर यहाँ ऐसे मामले लगातार होते रहे तो इन पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? सवाल ऐसे में कई उठते हैं। अगर आप भी इन तमाम हादसों के शिकार हुए हैं तो इसीलिए हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं वो भी आप उठा सकते हैं, जो सवाल हमने उठाए हैं वो भी हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर आप उन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं तो भी आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन हमारी लगातार खुल गई हैं, आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही हल्ला बोल में अपनी राय दे सकते हैं। जो फोन नंबर है 01244829011213 14, इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही जो अन्याय आपके क्षेत्र में हो रहा है, आपके इलाके में जो दिन ब दिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, आवारा पशु आवारा सांड जो लगातार आपके क्षेत्र में लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं आपको और आपके क्षेत्र में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अब वक्त है उसके खिलाफ हल्ला बोलने का। इसलिए अब आप फोन उठाइए और जल्दी से कॉल कीजिए, राय दीजिए। जो सवाल है आपके मन में आपके जहन में उठ रहे हैं तो वो भी आप उठा सकते हैं, राय दे सकते हैं। आपका इस विषय को लेकर क्या कुछ सोचना है, साथ ही आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर वो भी आप रख सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, हल्ला बोल में अपनी राय रखिए, क्योंकि अगर आपके इलाके में ऐसे दिन ब दिन मामले बढ़ रहे हैं तो इन पर कार्रवाई कब होगी? आखिरकार जो अधिकारी हैं वो चुप क्यों हैं? जो अधिकारी हैं उनके कान पर जू क्यों नहीं रेंग रही? आए दिन ऐसे मामले लगातार बढ़ते हुए आपने भी देखे होंगे, तो यहाँ पर ऐसे मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ऐसे में ही उठ रहा है कि कब तक जो लोग हैं वो अपनी जान गंवाते रहेंगे। ये कुछ तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज की कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो ये मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप रेवाड़ी जा रहे हैं तो इन सांडों से जरूर बचिएगा, लापरवाही बरती तो हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। सवाल हमारे ही हैं कि आवारा सांडों से लोगों को राहत कब मिलेगी, कब तक बरती जाएगी लापरवाही? जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं या फिर जो कार्रवाई नहीं की जा रही उन पर आखिरकार कार्रवाई कब की जाएगी? जो आश्वासन दे दिया जाता है वो कब तक आश्वासन दिया जाएगा, समाधान कब तक होगा? प्रदेश में कब तक घूमते रहेंगे आवारा पशु? जो हमारे प्रदेश में लगातार आवारा पशु घूमते आए हैं उन पर कार्रवाई कब की जाएगी? जो अधिकारी हैं वो कब तक चुप रहेंगे? इसलिए हमने आज यही मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो आवारा पशु हैं वो लगातार पूरे क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अगर आप रेवाड़ी जाते हैं तो आवारा पशु और शहर में सरेआम लड़ते सांडों से जरूर दूर रहें, अन्यथा हो सकता है कि आपकी इसमें जान भी जा सकती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो घटनाएं आपके क्षेत्र में लगातार घट रही हैं उसको देखते हुए हम ऐसा कह रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में लड़ते सांडों की वजह से आधा दर्जन से करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद के अधिकारियों के कानों पर चू नहीं रेंग रही। कुछ दिन पहले एक दुकानदार अपनी दुकान से घर स्कूटी पर खाना खाने जा रहा था, रास्ते में दो सांडों के बीच लड़ाई हो गई। भागते अचानक सांड स्कूटी के बीच में आ गया। हालांकि अब सवाल ऐसे में ही उठता है कि जो आवारा पशु आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? इन तस्वीरों को देखने के बाद अब आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि ऐसे जो मामले हैं उनका शिकार आप भी हुए हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 01244829011213। तो हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, आपका क्या कहना है, साथ ही जो सवाल हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो ढाक के तीन पात वाली लगातार होती जा रही है। यानी कि ऐसे में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा।
अब सवाल ही उठता है कि प्रदेश में आवारा पशु कब तक घूमते रहेंगे, इन पर लगाम कब कसी जाएगी, इन सब का जिम्मेदार कौन है, जो लोग इन सब का शिकार हुए हैं, इस हादसे के शिकार हुए हैं, वो लोग कब तक इन सब का शिकार होते रहेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, राम जी। राम बताइए जी। नमस्कार, जी। नमस्कार। मैं आपको 10 साल पहले की बात बताता हूँ। मैंने जी सांडों को लड़ते हुए खुद छुड़वाया था, लेकिन अंधभक्त है ना जो, हाँ वो आरोप लगाते हैं तुमने गाय को मार दिया, तुमने फलान कर दिया, ढीक कर दिया, और वहां पे कम से कम भी नहीं तो 5-6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 46 सेक्टर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जवाबदार कौन? दुर्भाग्य है भारत माँ का, इतने बड़े राज्य का एक सीएम कहता है जो गाय 50 ग्राम और 100 ग्राम दूध देती है उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, हम उनको 900 रुपए महीना देंगे, इसका जवाबदार कौन है? उनके मालिकों को तो मतलब ये नहीं, कहते अपने घर में पालो। माँ तुमने सड़कों पर मरने के लिए, गंदगी खाने के लिए मजबूर करके छोड़ रखा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपका क्या सोचना है इस विषय को लेकर? तो कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं ये जो मामला सामने आया है वो बीती शाम का है, जहां बाल बाल बची दादी और पोती, आपको बताएं कि ये बीती शाम का ही मामला है, जहां दो सांड आपस में लड़ते हुए घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर ही प्रवेश कर गया। दो सांडों की लड़ाई में दादी और पोती घायल हुए हैं। हालांकि आपको बताएं कि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें घर भी भेज दिया गया। लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि आखिरकार कब तक कार्रवाई की जाएगी? जो अधिकारी चुप हैं वो कब तक चुप रहेंगे? एक कॉलर है हमारे साथ, बलदेव जी। बलदेव जी बताइए। इसमें ये कहना चाहूंगा कि पहले जिन्होंने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ दिखावटी धर्म के नाते से आज ये कहानी हो रही है। इसने मेनका गांधी ने, श्रीमती मेनका गांधी ने कुत्तों का वो लगा दिया कि भाई इनको कुछ नहीं करोगे। आज आवारा कुत्ते इतने हो गए हैं कि हर जगह पीछे थी यमुनानगर के अंदर आदमियों ने आदमी को मार दिया था, तो ये हर जगह आज पशु सत्संग भी इतने ज्यादा हैं हमारे यहाँ अजय विहार कॉलोनी वगैरह में, और तो इतने ज्यादा है कि अच्छे ज्यादा वो नगर पालिका में भी क्या करें, आगे जगह जगह ये धर्मशाला ये गौशाला के उन पशुओं को देते नहीं, तो कर्मचारी भी क्या करें इसके अंदर। जब तक जो ठेकेदार जिन्होंने ये गौशाला खोली है वो जब आवारा उसी के लिए खोली है ना, गौशाला के आवारा पशुओं को वो शरण दे, वो वहां देते नहीं, तो ये भी होना चाहिए कि अगर गौशाला खोलोगे और उसमें जितने पशु आएंगे वो सारे दे कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो एक कॉलर बलदेव हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी राय रखी, तो आप भी जुड़ सकते हैं। जल्दी से फोन उठाइए क्योंकि वक्त कम रह गया है। अगर आपके इलाके में ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे हादसे का जो शिकार हैं वो आप भी हुए हैं, तो आप जल्दी से कॉल कीजिए। प्रदेश में कब तक घूमते रहेंगे आवारा पशु, ये सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सुझाव भी रख सकते हैं। क्या आपके इलाके में ऐसे हादसे हुए हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए 4829011213 14। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। अक्सर हरियाणा न्यूज आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाता है, इसलिए जल्दी से फोन उठाइए, हल्ला बोल में अपनी राय रखिए, क्योंकि अब वक्त है इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने का, इस खास कार्यक्रम में अपनी राय रखने का, क्योंकि अक्सर हरियाणा न्यूज आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाता है। अब आपकी आवाज को बुलंद करने का वक्त है, तो जल्दी से फोन उठाइए। दहशत के माहौल से आखिरकार निजात कब मिलेगी? अगर आप इसके शिकार हो रहे हैं तो आपको निजात कब मिलेगी, इससे जुड़ी हुई अगर आप राय भी रख सकते हैं, कॉल कीजिए, जल्दी से फोन उठाइए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। 0124 4829 011213 14।
इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए, हल्ला बोल में हल्ला बोलिए। हालांकि आपने देखा होगा कि जो आवारा सांड है उनकी जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कब तक ऐसी लापरवाही बरती जाएगी? आखिरकार इन सब पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, क्या वो एकमात्र कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है? सवाल ऐसे में ही उठता है कि अगर आपके इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उन पर लगाम कब तक लगाई जाएगी? तो जल्दी से कॉल कीजिए 0124482901121314। हालांकि इस खास कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखने के बाद आप खुद बा खुद समझ गए होंगे कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। तस्वीरों में आप गौर से देखिए, जहां बीती शाम का ही ये मामला है, जहां दो सांड आपस में लड़ते हुए घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर गए। दो सांडों की लड़ाई में दादी और पोती घायल हो गई। हालांकि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें घर भी भेज दिया गया। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि ऐसे मामले कब तक हमारे प्रदेश में होते रहेंगे? क्यों अधिकारी चुप बैठे हैं? तमाम जो दावे किए जाते हैं, क्या वो दावे एकमात्र फेल साबित हो रहे हैं? आखिर प्रशासन चुप क्यों बैठा है? तो जल्दी से फोन उठाइए, हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। जल्दी से कॉल कीजिए 0124482901121314। आखिरकार कब तक ये लापरवाही बरती जाएगी? हालांकि जो लड़ाई की पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, लेकिन सवाल ऐसे में ही उठता है कि दहशत के माहौल से जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 0124482901121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, गगन जी बताइए। गगन जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे भी गांव की बहुत समस्या है जी, शहर के साथ ही है। शहर के साथ ही हमारा फार्म हाउस है जी। यहाँ पे गायें आ जाती है, हमने तारे वगैरह लगा रखी हैं, फिर भी रोज आ जाती है गायें। इसका ये ही इलाज है जी, ये जो लोग छोड़ देते हैं दूध पी के, गायें को जो दूध देना बंद कर देती है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी, फिर ही इसका कोई इलाज हो सकता है। सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तो आप कहने का ये तात्पर्य है कि सरकार को इसमें एक ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय भी रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक सवाल का जवाब गगन ने ही दे दिया है, लेकिन ऐसे में सवाल यहां ये भी उठता है कि दहशत के माहौल से आखिरकार लोगों को निजात कब मिलेगी? क्या आपके इलाके में ऐसे हादसे हुए हैं? क्या आप इन तमाम हादसों के शिकार हुए हैं? तो जल्दी से कॉल कीजिए 0124482901111314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही अपनी राय रख सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। आपका क्या सोचना है? क्योंकि धरातल में जो तस्वीरें हैं वो कागजों से बिल्कुल उलट है। हालांकि अक्सर कागजी कार्रवाई कर दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके धरातल पर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो आपके सामने ही हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन तस्वीरों को देखिए आप। इन तस्वीरों को देखने के बाद खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि
धरातल पर आखिरकार जो तस्वीरें सामने आई हैं उन पर रोक कब तक लगाई जाएगी? तो जल्दी से कॉल कीजिए 01244829011। एक कॉलर है हमारे साथ किशन जी। किशन जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था मैडम कि ये जो आवारा गाय भैंस घूम रही है ना बाहर रोड के ऊपर, इनको किसी को भी ले जाने की छूट होनी चाहिए और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए होनी चाहिए। जो ले जाए वो उसी की हो जाए, फिर ये रोड के ऊपर आनी बंद हो जाएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है किशन जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कॉल कीजिए 01244829011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए। आवारा सांडों से आखिरकार लोगों को राहत कब मिलेगी, कब तक लापरवाही बरती जाएगी, ये सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप इनके जवाब जानते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। क्या आपके इलाके में ऐसे हादसे हुए हैं? एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, सोहन पाल जी बताइए। मैडम नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। मैडम ऐसा है जी कि ये सांड आए दिन हादसा करते हैं, इनको पकड़ पकड़ के कई बार गौशाला में चले जाते हैं, मगर गौशालाओं में भी ऐसी करते हरकत है, गौशाला वाले इनको वापस छोड़ते हैं, ये वापस फिर शहरों में गांव में चले जाते हैं, ऐसे हादसे रहते हैं जी। आपने प्रोग्राम चलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, पर ऐसी समस्या का समाधान तो हो गया जी, सांडों की समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि वहां जब गौशालाओं में चले जाते हैं तो ये वहां गाय को परेशान करते हैं जी, इसलिए इनको वापिस छोड़ दिया जाता है। सच्चाई तो यह है जी, फिर ये शहरों में आ जाते हैं, बाकी इनको जो वापिस छोड़ने का धंधा है ये बंद किया जाए तो ये गौशाला में छोड़े जाए जी, हमारे तो यही आप है जी। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे सोहन पाल, तो आप भी जुड़ सकते हैं, वक्त काफी कम रह गया है तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, कॉल कीजिए 01244829011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, तो हल्ला बोल में हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि धरातल में तस्वीरें कुछ अलग हैं, जो हकीकत है वो कुछ और ही है। आखिरकार कब तक इस घटना को लेकर लापरवाही बरती जाएगी, प्रदेश में कब तक ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे? क्या आपके इलाके में ऐसे हादसे हुए हैं? क्या आप इन तमाम हादसों को लेकर, इन तमाम हादसों पर शिकार हुए हैं? अगर आप भी इन हादसों के शिकार हुए हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए 01244829011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए, क्योंकि धरातल में तस्वीर कागजों से बिल्कुल उलट है। अक्सर हम देखते हैं कि कागजी कार्रवाई कर दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन समाधान नहीं किया जाता। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो अधिकारी हैं वो आखिरकार अपने कार्यालय में क्यों चुप बैठे हैं? क्या उनके कान पर जू नहीं रेंग रही? सवाल आखिरकार यही उठता है कि जो प्रशासन है वो चुप क्यों बैठा है? तो हल्ला बोल में आप हल्ला बोल सकते हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 01244829011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। हालांकि आपको बताएं कि जो ये तस्वीरें हैं ये बीती शाम की तस्वीरें हैं, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा कि कितने लोग इसमें इस हादसे का शिकार हुए होंगे।
हालांकि हमने इससे पहले भी आपको बताया कि ये बीती शाम का मामला है जहां दो सांड आपस में लड़ते हुए घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। एक कॉलर है हमारे साथ, विजय जी। विजय जी बताइए। हाँ जी, क्या सवाल क्या है जी? सवाल हमारे ही हैं कि अगर आप इन हादसों के शिकार हुए हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, आवारा सांडों से राहत कब मिलेगी, कब तक लापरवाही बरती जाएगी? से राहत कैसे मिलेगी मैम? मिलेगी जी, आवारा सांडों से तो मिलेगी नहीं राहत। क्या आप इन सब के शिकार हुए हैं? बिल्कुल, बार रोड पे निकलते हैं तो कभी बाइक के सामने आ जाते हैं, कभी गाड़ी के सामने आ जाते हैं, रोड पे तो रहते ही है। इनका घर तो कहीं है नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए विजय जी। तो विजय हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि अक्सर हम लोग इन सब के शिकार होते हैं, आए दिन ऐसे हादसे हर किसी के इलाके में लगातार हो रहे हैं। प्रदेश में कब तक घूमते रहेंगे आवारा पशु? दहशत के माहौल से आखिरकार हमें निजात कब तक मिलेगी? क्या आपके इलाके में ऐसे हादसे हुए हैं? अगर आपके इलाके में ऐसे हादसे हुए हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 01244829011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवेश जी बताइए। जो ये मुद्दा उठाया है जी, आपको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि प्रदेश में ये नगर परिषद की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवारा पशु बेनकेल कसे और उनकी व्यवस्था करे, चाहे वो नंदीशाला हो या फिर ऐसे गोवंश जो आवारा घूमते हैं या फिर आवारा पशु हो, उनकी व्यवस्था ये नगर परिषद की जिम्मेदारी बनती है। तो बिल्कुल हमें चाहिए कि इस पे प्रशासन खुद ध्यान दे, क्योंकि ये ऐसे जो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सांड ने ऐसे घायल कर दिया, तो ऐसी बहुत से खबरें आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगी। हाँ। तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि इन पे कार्रवाई की जाए और इन आवारा पशुओं को नगर परिषद उनके नंदीशाला या फिर और भी दूसरी जगह इनको एक्वायर करें। चलिए प्रवेश, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वक्त काफी कम रह गया है, तो जल्दी से हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, क्योंकि अब वक्त है उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का जो आपके क्षेत्र में आपके साथ हो रहा है। आखिरकार इन सब से आपको राहत कब मिलेगी? प्रदेश में जो ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं उन सब पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है, धरातल में तस्वीर कागजों से बिल्कुल ही उलट है। एक कॉलर है हमारे साथ, रवि यादव जी बताइए। सर हेलो जी। मैडम हमारे मेरा गांव धानावास है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से ही बोल रहा हूँ मैं, और हमारे यहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते हैं, खेत सारी खेती इन्होंने खत्म कर दी है आवारा पशुओं ने। तो आपका यही कहना है कि आपके इलाके में अक्सर यही मामले हो रहे हैं? मैडम सैकड़ों हमारे यहाँ सैकड़ों ये आवारा पशु सांड घूमते हैं, वे जो है हमारी सारी फसल खराब हो गई है, मेन रोड पे हादसे होते हैं, गाँव में के अंदर भी हादसे कर देते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए, क्योंकि अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। हल्ला बोल में अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही, देखते रहे।